Assalamu alaikum guys, this is Saif Ali in front of you and today I am going to talk about how you can study smarter instead of harder. Students ki life ki ek aisi problem share karne ke bare mein main baat karne ja raha hu jo ki being a student maine bhi face ki hai. Wo ye hai ki jab hamara group tha, hum log jab studies karte the yani ki hamara jab study karte the aur jab hamari examination jo hoti thi wo kareeb hoti thi तो हम लोग को पढ़ने के बजाय हम लोग उस चीज़ से दूर हो जाते थे, यानी हम लोग अपने आप को ही कह रहे होते थे कि खैर होगा यार, कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है. बट हमें ये पता होता था कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो हम एग्जामिनेशन हमारे करीब आ रहे हैं. तो इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग आवरसेल्फ इनटू स्टडीज एंड इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग आवरसेल्फ इनटू आवर एकेडमिक स्टडीज एंड वी शुड स्टडी, वी आर जस्ट निगलेक्टिंग आवरसेल्फ. हम लोग उसको चीज़ को अपने आप को दूर कर रहे होते हैं, नज़रअंदाज कर रहे होते हैं. तो करना ही चाहिए व्हाट वी नीड टू डू टू स्टडी. और अब यहाँ मेरी बात गौर से सुनेगा थोड़ी सी, कि स्टडीज़ करने का मतलब ये नहीं है कि चलो दिन में आपने एक घंटा दे दिया. अगर आपने दिन में एक घंटा भी दिया है तो आपने क्या घंटा पढ़ा है, क्योंकि वो चीज़ आपने अपने आप को सिर्फ सेटिस्फाइड करने के लिए की है, वो एक्चुअल स्टडी नहीं है. कुछ लोग स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो कि जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा, जिनको पढ़ाई एक तरह से प्रेशराइज किया था घर से, और वो अपने स्टडीज़ को अपने लिए एक बोझ बना लेते हैं. हालांकि वो बोझ होता नहीं है, लेकिन वो अपने माइंड में ऐसे उसको एक मेंटल पेन के उनको क्लिक होता है, तो वो प्रेशर बना लेते हैं, अपने मेंटल प्रेशर बना लेते हैं स्टडीज़ को अपना. तो करना क्या है, करना ये है कि उसमें अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना है खुद से. अगर आप इसको इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तभी वो चीज़ आपको समझ में आएगी और तभी आपके जहनों में बैठेगी. हमारे एक अंकल थे, वो मुझे समझाया करते थे कि काम को अपने ऊपर सवार मत करो, काम पे सवार हो जाओ. ये उनके एक्चुअल वर्ड्स थे. इस दौरान अगर कोई और भी काम आता है तो वो भी इस चीज़ में आ जाएगा, लेकिन अगर तुम अपने काम को अपने ऊपर सवार कर लोगे तो वो काम तुम कभी नहीं कर पाओगे, ना वो शायद बमुश्किल ही वो चीज़ ख़त्म हो. अब होता क्या है, हमारे कल एग्ज़ाम होता है, हम पढ़ने बैठते हैं और जब हम पढ़ लेते हैं अगले दिन एग्ज़ाम में, हम जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हम बोलते हैं ये चीज़ कल ही तो पढ़ी थी, याद क्यों नहीं आ रही. अब आप खुद मुझे बताएं कि एक चीज़ के लिए आप पढ़ाई के लिए 4 घंटे सेट करते हैं, तो ये मुझे बताएं कि आप उस चीज़ को 4 घंटे कंटिन्यूसली देना पसंद करेंगे या फिर ब्रेक्स ले लेंगे कंफर्टेबली. क्या आप दिन में पढ़ना, क्या आपको चाहिए कि रात में आप पढ़ें या सुबह? क्या पढ़ने के लिए एक फिक्स जगह, फिक्स डेली रूटीन, फिक्स प्लेस ज़रूरी है, या आप जहाँ भी आप कम्फर्ट महसूस करें? इन चीज़ों के जवाब मैं आपको दूंगा एक बुक की हेल्प से जिसका नाम है हाउ टू लर्न, जो कि बेनेडिक्ट कैरी ने लिखी है. तो इसको 5 चीज़ों में कैटेगराइज किया है, उसमें से ये एक चीज़ ये है कि स्मार्ट आइडिया, व्हाट आर योर ब्रेन, यानी कि जिस तरह आप जैसे दिन में अगर आप 2 दिन में 2 घंटे एक प्लांट को पानी देते हैं, इससे अच्छा ये है कि आप हफ्ते में 5-5 मिनट प्लांट को पानी दें, इससे उसकी ग्रोथ अच्छी होगी. इसी तरह दिन में 3 घंटे से पढ़ने से अच्छा है कि आप कंसंट्रेशन के साथ उसको ब्रेक ले लेकर पढ़ें, इससे आपकी मेमोराइजेशन अच्छी होगी, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा. तो ये मेथड कहलाता है स्पेसिंग इफेक्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग. ये चीज़ साइंटिफिकली अप्रूव्ड है कि 46% ये वर्क करती है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, मोस्टली उसमें यह हुआ कि आपको स्टार्टिंग के या एंडिंग के सीन्स जो होंगे वो ज़्यादा याद होंगे एज़ कम्पेयर टू मिडिल टाइम के. इसी तरह किसी भी सेशन में आपने अक्सर देखा होगा कि जो मैं फोकसिंग या कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो पीक पर होता है. तो इसलिए ये कहते हैं कि सेशन जितना छोटा हो उतना ही अच्छा है. इसीलिए आपको चाहिए किसी भी चीज़ को याद करने के बाद बार बार रिकॉल करें, इससे वो चीज़ मेमोराइज अच्छी तरह होगी. दूसरी चीज़ ये है फ्लुएंसी, अनटेस्टेड फ्लुएंसी इज इल्यूजन. कोई चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, बोलते हैं चलो यार समझ आ गए, हमें याद हो गई, और उसके बाद हम दूसरी चीज़ में लग जाते हैं. बट आफ्टर सम टाइम कि जब वो चीज़ गुजर जाती है और वो हमारे सामने आती है तो हम बोलते हैं हाँ ये तो हमें याद थी, ये चीज़ हमने सुनी सुनी है, लेकिन वो चीज़ हमें याद नहीं होती. उसको कहते हैं फ्लुएंसी इल्यूजन, कि हम जो चीज़ हमारी आंखों के सामने होती है वो चीज़ हमारे दिल में एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि हाँ यार ये हमें आ गई है, बट ऐसा होता नहीं है. तो 3 बार एक चीज़ को देख कर पढ़ने से अच्छा ये है कि उसको एक बार पढ़ के 3 बार रिकॉल किया जाए, ताकि वो चीज़ आपके जहन में बैठ जाए. लेकिन अक्सर लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि उस चीज़ के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, उस चीज़ को दिमाग में मेमोराइज करना होता है, उस चीज़ को रिकॉल करना होता है बार बार.
इसमें क्या होता है 20% 20 और 80% का एक रेशियो दोबारा से क्रिएट हो जाता है। थर्ड स्टेप क्या होता है, चेंज इज गुड। हम बचपन से सुनते आ रहे होते हैं, हमारे अब्बू या हमारी अम्मी कह रही होती हैं कि बेटा पढ़ाई का एक रूटीन सेट कर लो, एक जगह सेट कर लो, वहाँ जाए बैठ के पढ़ो। लेकिन साइंस क्या कहती है, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है, यानी कि दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप को हमने एक टास्क दिया कि एक रूम में जाओ और 50 वर्ड्स याद करो, और सेम टास्क हमने दूसरे ग्रुप को दिया, बट यहाँ हमने कुछ चेंजेस ये की कि उसको अलग अलग, मतलब अलग अलग एक रूम में बिठाया और दूसरे रूम को अलग बंदे को बिठाया, तो वो चीज़ की। तो ग्रुप ए का जब रिजल्ट आया तो उसने 16 वर्ड्स मेमोराइज किए आउट ऑफ 50, और जो दूसरा ग्रुप को दिया था अलग अलग बिठा के, उन्होंने 24 वर्ड्स याद किए मैक्सिमम आउट ऑफ 50। तो यहाँ पे आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं। सो गाइस फोर्थ स्टेप की तरफ आते हैं हम, जो कि है टेस्ट और टीच। आप बहुत कुछ सीखते हैं बट वो भूल जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप उस चीज़ को अपने ऊपर खुद टेस्ट नहीं करते। तो वो आपको करना ये चाहिए कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं पहले खुद पे टेस्ट करें, उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है यानी कि टीच, वो चीज़ आपने जो खुद सीखी है वो दूसरों को भी सिखाएं। इसके लिए आपको खुद के उस चीज़ में मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बेनिफिट ये भी है कि आप दूसरों को सिखा के खुद भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो पाँचवा और जो लास्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है स्लीप प्लस नैप। हमने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ यानी एक नैप के साथ स्टडी करने को कहा, और कुछ स्टूडेंट को हमने कहा स्टडी विदाउट नैप। सो एज़ कम्पेयर टू वो जिन्होंने पढ़ाई बिना नैप की थी, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जैसे कि जिन्होंने पढ़ाई के साथ नैप लिया था यानी कि एक छोटी नींद ली थी, उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया। तो ये बात भी साइंटिफिकली अप्रूव्ड है कि जब आप सो रहे होते हैं while you are sleeping आपका जो माइंड की इंफॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट, वो ऑटोमेटिकली पैरेलल यानी स्टोर हो रही होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जिसकी वजह से जब आप सो के उठते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली जो आपका ब्रेन होता है वो काफ़ी फ्रेश होता है। सो एक दिन में यानी सो लेना बुरा नहीं है। और अगर हम बात करें स्लीप की, आप अगर बात करते हैं स्लीप की, तो दिन में पढ़ना अच्छा है या नहीं, ये बात भी साइंटिस्ट का मानना ये है कि सबसे अच्छा सोने का टाइम जो होता है वो 11 PM to 7 AM होता है, यानी कि जो अच्छा टाइम है। अब अगर बोलते हैं कि दिन में पढ़ना अच्छा है या रात में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर एट ऑल। अगर आपका माइंड एनर्जेटिक है और फ्रेश है तो आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, वो टाइम बेस्ट होता है स्टडी के लिए। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू गुड डे।